Hello students, we are moving for our first chapter, name is units and measurements. तो unit and measurement में हम पहला topic जो पढ़ने वाले हैं वो है physics. अब आपको last lecture में मैंने समझा दिया था syllabus point of view के physics में क्या क्या include रहने वाले हैं. तो हमारा जो भी syllabus था 11th का वो सभी physics में आता है, फिर भी by definition short में हम इसे देखने वाले. तो physics क्या है? Physics is the branch of science. साइंस की ही एक ब्रांच है. जैसे आप फिजिक्स को डिफाइन करेंगे तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. अगर आप बायोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो वो भी है ब्रांच ऑफ साइंस. अगर आप केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे इट इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस. तो फिजिक्स के बारे में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सिंपल है, फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. अब इस साइंस के फिजिक्स वाले ब्रांच में क्या क्या हम चीज़ें पढ़ते हैं, तो फिर ये हमने लिख दिया कि विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, डील्स विद द स्टडी ऑफ मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं. तो इसमें पहला पॉइंट है नेचर. नेचर मतलब हमारे आसपास के सभी जो चीज़ें होती हैं, नेचर हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ें अवेलेबल है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं. और इस नेचर के कुछ फिनोमिनॉन्स होते हैं, मतलब जिस तरह से बिहेव करते हैं, इनकी जो भी घटनाएं होती है फिनोमिनॉन्स होते हैं वो नेचुरल फिनोमिनॉन्स होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं. अब हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती होंगी, हमारे आसपास अगर हवा भी बह रही होंगी तो भी वो फिजिक्स ही है. हर एक चीज़ जो हमारे आसपास में है और वो कुछ तो भी घटनाएं कर रही है, तो वो सभी घटनाएं मतलब सभी फिनोमिनॉन्स कहाँ पर आते हैं, फिजिक्स में आते हैं. अगर आपको किसी भी एग्जांपल पर डाउट हो कि सर क्या यह फिजिक्स है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस एग्जांपल को फिजिक्स का ही एग्जांपल है ये कन्वर्ट करके आपको मेंशन करा दूंगा. तो फिजिक्स में और क्या होता है, इन फिजिक्स वेरियस फिजिकल फिनोमिनॉन्स आर एक्सप्लेन. अब जितने भी फिजिकल फिनोमिनॉन्स हैं, फिजिकल फिनोमिना मतलब वही नेचर और नेचुरल फिनोमिनॉन्स, वही फिजिकल फिनोमिना है, उन सभी को एक्सप्लेन किया जाता है और एक्सप्लेन करके उनका क्या कंसेप्ट है वो शो किया जाता है और उनके कुछ तो भी लॉज होंगे या फिर रूल्स होंगे वो बता दिए जाएंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करते हैं कि मतलब 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है, तो ये रूल हो गया एक तरह का. ये क्या है, रूल. 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर क्या है, रूल हो गया. रूल मतलब ये क्या है, एक तरह का लॉज है. तो ये भी फिजिक्स है. जो मेज़रमेंट मैंने अभी बोला वो भी क्या है, फिजिक्स है. तो उस फिजिक्स का कुछ ना कुछ मेज़रमेंट का कंसेप्ट भी रहेगा और उसके कुछ रूल्स रहेंगे. तो फिजिक्स क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, नेचर और नेचुरल फिनोमिनॉन्स. और जितने भी नेचुरल फिनोमिनॉन्स है एक्सप्लेन किए जाते हैं कौन से बेसिस पर, उसके कुछ तो भी कंसेप्ट्स रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, उसके लॉज या फिर रूल रहेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, व्हाट इज़ नीड ऑफ मेज़रमेंट. जबकि अब मेज़रमेंट इस चैप्टर में है तो पहले हम देख लेते हैं कि मेज़रमेंट की ज़रूरत क्या है. वैसे मेज़रमेंट बोलेंगे तो वही चीज़ें होती है मेज़रमेंट. जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स है तो 5 हमने काउंट कर लिए, मतलब ये क्या हो गया, मेज़रमेंट हो गया. तो हम सवेरे से लेकर शाम तक हर चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं, ये हमें शायद पता भी नहीं होता लेकिन हम मेज़रमेंट करते ही हैं. जैसे मान लेते हैं कि हमने सवेरे उठे और ब्रश करने लगे, तो ब्रश करने के लिए हम टूथब्रश के ऊपर में अगर टूथपेस्ट भी ले रहे होंगे तो उतनी ही टूथपेस्ट लेते हैं जितना के ब्रश हो. मतलब हम इनडायरेक्टली मेज़रमेंट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब छोटा सा ब्रश हो और पूरी की पूरी टूथपेस्ट आज ही हम खा जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं. तो फिर वहाँ पर भी क्या आ जाता है, मेज़रमेंट. जैसे हम चाय भी बनाएंगे तो एक कप चाय में अगर हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे तो यहाँ पर भी हमने क्या ले लिए, मेज़रमेंट. ऐसा तो नहीं कि एक कप चाय के लिए हम पूरा का पूरा डब्बा ख़त्म कर देंगे, वैसी बात नहीं होती. तो हर चीज़ में मतलब मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हर चीज़ में हम मेज़रमेंट करते ही है, बस हमें वो डायरेक्टली पता नहीं होता, ये बात अलग है. तो फिजिक्स में मेज़रमेंट की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है इन सभी को गिनने की या फिर मेज़रमेंट की ज़रूरत क्या होती है, तो क्यों होता है. तो पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, मेज़रमेंट नीड्स टू स्टडी वेरियस फिनोमिनॉन इन फिजिक्स. अब फिजिक्स में ये जो मेज़रमेंट है इसकी हेल्प क्यों लगती है कि सभी जो फिनोमिनॉन्स है उसको हम स्टडी कर पाए इसीलिए. अब जैसे स्टडी कर पाए इसीलिए मतलब कैसे, कि अगर मान लेते हैं कि हमें अगर चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ रही है या फिर 2 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हम पूरा का पूरा डब्बा तो नहीं यूज़ करते. मतलब हमने क्या कर लिया, वहाँ पर
मेजरमेंट कर लिए, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते कि मेजरमेंट नीड्स टू स्टडी वेरियस फिनोमेनॉन। तो हमने वहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लिए कि एक कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी लगती है। तो ये कंक्लूजन या फिर ये लॉ फाइंड आउट करने के लिए हमने मेज़रमेंट को, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मतलब मेज़रमेंट की ज़रूरत हमें रहती है, ये हम साबित कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस लॉज आर एंड एक्सपेरिमेंट आर अनसेटिस्फैक्ट्री। अब बात ऐसा है कि यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करने वाले बच्चों, ध्यान दो, ये एक वर्ड है क्वालिटेटिव और दूसरा एक वर्ड है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटी और क्वांटिटी एक साथ चलेंगे मेजरमेंट में, अब कैसे चलेंगे? अब देखिए, एक कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी लग रही है, तो चीनी कैसे होती है, मीठी होती है, वो उसकी क्या होगी, क्वालिटी। लेकिन एक कप के लिए 2 ही चम्मच चीनी लग रही है, वो क्या होगी, उसकी क्वांटिटी। मीठी है मतलब क्वालिटी, और सिर्फ 2 चम्मच लगने वाली है, मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। तो ये जो जितने भी हम फिनोमेनन हम पढ़ेंगे, उनमें जो मेज़रमेंट हम करेंगे, उसके बेस पर जो भी कुछ लॉज रहेंगे या फिर ये जो एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे, ये तब तक सेटिस्फैक्टरी नहीं रहेंगे जब तक क्वालिटी के साथ में क्वांटिटी नहीं चलेगी। देखिए इसे पढ़ लेते हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस लॉज एंड एक्सपेरिमेंट्स आर अनसेटिस्फैक्ट्री। जितने भी हम लॉज पढ़ेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वो अनसेटिस्फैक्टरी रहेंगे, कब तक, इफ़ इट इज़ ओनली क्वालिटेटिव। अगर सिर्फ वो क्वालिटेटिव है तो अधूरे रह जाएंगे, इसलिए उनको क्या होना चाहिए, क्वालिटेटिव के साथ में क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए, इसीलिए मेज़रमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सोचेंगे कोई भी चीज़ जहाँ पर क्वांटिटी भी आती है, वहाँ पर क्वालिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता ही है। जैसे हम टूथब्रश पे ऊपर में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट का काम क्या है, टीथ को क्लीन करना, ये उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन कितनी टूथपेस्ट लगने वाली है, वो क्या होगी, उसकी क्वांटिटी होगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी एक साथ में ही चलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेस्ड ऑन द फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल फिनोमेनॉन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड वेरियस लॉज एंड थ्योरीज। अब जितने भी फिनोमेनॉन्स हैं, साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर ली है, उसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी, रूल, कंसेप्ट या फिर जो भी फॉर्मूला है, वो उन्होंने इन्वेंट करके रख दिए हैं। अब कैसे इन्वेंट किए हैं, जैसे देखिए, रोज़ हम एक कप चाय बनाएंगे, उसके लिए 2 चम्मच चीनी लगेंगी, वो तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हो गया हमारे लिए। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या करके रखे हैं, अगर मान लेते हैं कि 1 किलो, मैं बात कर रहा हूँ 1 किलो यूरेनियम की, 1 किलो यूरेनियम, यूरेनियम तो मिलता नहीं अपने को, लेकिन हम अगर मान लेते हैं 1 किलो यूरेनियम से जो एनर्जी मिलती है, जो हीट मिलती है, वो अगर 44,000 किलो कोयले के बराबर रहेगी। देखिए, एक साइड में 1 किलो यूरेनियम और दूसरे साइड में 44,000 किलो कोयला, ये दोनों की एनर्जी सेम रहेगी, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी साइंटिस्ट ने फाइंड आउट कर लिए है। तो उन्होंने क्या कर लिए, हीट के केस में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन कर लिए फिजिकल क्वांटिटी का, और यहाँ से कुछ ना कुछ लॉज उन्होंने फाइंड आउट किए हैं, उन्होंने जो भी थ्योरीज फाइंड आउट किए उसका कुछ ना कुछ एनालिसिस फाइंड आउट किए हैं, और यही इम्पॉर्टेंट है मेज़रमेंट में। जैसे एग्जांपल अगर नहीं समझेगा तो मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी ना कभी ऐसा तो हुआ होगा कि 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर ये इन्वेंट हुआ होगा, तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर ये इन्वेंट हो गया, तो ये क्या है, एक तरह का लॉ है, ये रूल है, ये थ्योरी है, और यही क्या है, मेज़रमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक बार फिर से पढ़ लेते इसे, बेस्ड ऑन द फिज़िकल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं फिनोमेनॉन्स का, साइंटिस्ट हैव डेवलप, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए है, कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉ डेवलप किए हैं, कुछ तो भी उन्होंने थ्योरी डेवलप किए हैं, एंड फॉर इट्स एनालिसिस, और उसके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमने, मतलब हम अभी 1-2 साल से अगर चाय बना रहे हैं, और हमें समझ में आ गया कि एक कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने वहाँ पर मेज़रमेंट सीख लिए, हमने वो थ्योरी भी सीख ली, उसका कंसेप्ट अपने पास में पता है, उसके कुछ लॉज अपने को पता है कि एक कप चाय के लिए 2 चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम अगर 10 दिनों के बाद में भी चाय बनाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक कप चाय के लिए हम
10 चम्मच चीनी डालेंगे, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ लॉज निकाल लिए थे, थ्योरी निकाल लिए थे, उसके कुछ स्टडी किए थे, और ये कौन से बेसिस पर किए थे हमने, मेज़रमेंट के। इसीलिए मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्यूरेट मेज़रमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विथ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट इज़ नीडेड। अब बात ऐसी है कि जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, छोटा सा मेज़रमेंट हमने कर लिए, हाथ के फिंगर्स काउंट कर लिए 5, ये बहुत इजी चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ मेज़रमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी के केस में अगर टेम्परेचर कितना है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मामीटर का यूज़ करेंगे। तो थर्मामीटर का यूज़ मतलब ये क्या हो गया, थर्मामीटर एक तरह का अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसको यूज़ करके हमने क्या कर दिए, मेज़रमेंट कर दिए। तो वही हम देख रहे हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विद एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट इज़ नीडेड। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना है तो बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत अपने को पड़ती है, और उसके ही बेस पर जो भी उसके फॉर्मूले हम फाइंड आउट करते हैं या फिर उसकी जो थ्योरी लिखते हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है अपना, टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस एक्सपेरिमेंट मेजर्ड इन द नेसेसरी। अब प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन, जैसे भविष्य वगैरह होता है उसी तरह का है ये प्रेडिक्शन, मतलब रिजल्ट क्या होने वाला है हमें पहले ही पता होता है। जैसे देखिए, मतलब मैंने क्या कर दिया, एक कप चाय बनाया, चीनी ही नहीं डाला, तो मैं प्रेडिक्ट करूँगा कि चाय मीठी नहीं होगी, ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन। अगर मैंने एक कप चाय बना के 2 चम्मच चीनी डाल दिया तो मेरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा, चाय मीठी होने वाली है। अगर मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दिया तो क्या मैं प्रेडिक्ट करूँगा, चाय बहुत ज़्यादा मीठी होने लगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और प्रेडिक्शन के लिए हमने मेज़रमेंट को इन्वॉल्व कर लिया। हमें पता है या फिर नहीं भी पता होता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने मेज़रमेंट का इन्वॉल्वमेंट कर लिया, मतलब हमने ये डिसाइड कर लिया कि 2 चम्मच से चाय मीठी होती है तो 4 चम्मच से बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन। तो फिर इस तरह का प्रेडिक्शन करने के लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें मेज़रमेंट ही पता नहीं होता तो क्या हम प्रेडिक्शन कर सकते थे, नहीं। हमें अगर पता नहीं होता कि 2 चम्मच चीनी से चाय मीठी होती है और 4 चम्मच चीनी से चाय बहुत ज़्यादा मीठी होती है तो क्या हम प्रेडिक्शन कर सकते, नहीं। तो हमें मेज़रमेंट पता है इसलिए हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों आप लोग क्या करेंगे, जो भी मैं यहाँ पर आपको ये पढ़ा रहा हूँ, नोट्स भी आपके लिए निकाल रहा हूँ, तो आपको इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख लेना है। तो हमने ये पॉइंट पढ़ लिया है कि नीड ऑफ मेज़रमेंट क्यों होता है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़, अब देखिए हम मेज़र करते हैं, किसको मेज़र करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाथ की उंगलियाँ मेज़र कर लिए तो हाथ की उंगलियाँ क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो भी चीज़ें हमने मेज़र कर सकते हैं वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़। टेम्परेचर हमने मेज़र कर लिया, क्या है वो, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हर एक चीज़ जो हम मेज़र करते हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो देखो हमने क्या लिखे, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र्ड आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ सब्जेक्टेड टू डिटेल्ड एनालिसिस। और जो भी फिज़िकल क्वांटिटी रहेगी उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, डिटेल एनालिसिस मतलब डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, प्रिसाइज बहुत माइन्यूटली हम इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। एंड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट मतलब उसके ऊपर में कुछ लॉज, रूल्स या फिर फॉर्मूले भी हम बना सकते हैं। देखो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो मेज़र कर सकते हैं उसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोल दिए। अब अपने को ऑलरेडी बताया कि 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर हो गया, तो एक तरह का तो क्या हो गया, फार्मूला हो गया, मतलब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हमें मिल गई। प्रिसाइज मेज़रमेंट मतलब एक्यूरेट मेज़रमेंट के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, कुछ स्केल रहेंगे या फिर टेप्स रहेंगे कि जो बताएंगे कि 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर प्रिसाइज मेज़रमेंट भी आ गया। डिटेल एनालिसिस मतलब डिटेल में उसकी हम स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर में डिपेंड कर रही है। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, ये ऐसी मतलब क्वांटिटी है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेज़र्ड आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। और ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है इनकी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, इनको प्रिसाइज मेज़रमेंट कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे से मेज़रमेंट कर सकते हैं, और उनके बेस पर हम कुछ ना कुछ फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं।
तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल अपने पास में अवेलेबल है, मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, प्रेशर एक्सेट्रा। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे सामने के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इनके नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लेना और इसे रिवाइज़ कर देना। थैंक यू।